नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल है साथियों? ओए बक्तो, क्या हाल है भाई? तुम लोग सब ठीक हो? हाँ सेवा अच्छे से हो रही है तुम लोगों की? सही है, सही। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आज का प्रवचन सुन लो, बैठ जाओ। देखो, अब ये जो इन लोगों ने जो बोया है, ये लोग वही खाएंगे। जितना भारत के साथ खेलोगे, जितना खिलवाड़ करोगे जनता के साथ, जनता उसका चार गुना आपको वापस लौटाएगी। जैसे हर जगह अभी कहीं भी जा रहे हो, जूतों की माला पहन रहे हो, मार खा रहे हो, अच्छे से कुटा रहे हो, पिटा रहे हो, मोर बन रहे हो, सूझ जा रहे हो, ये सब होगा, ये सब होगा, क्योंकि तुम लोगों ने जो खिलवाड़ की शुरुआत की है ना, ये जनता एंड करेगी। तुम्हें ये लगता है कि तुम बहुत बड़े महान हो और जिंदगी भर के लिए तशरीफ रखे हो कुर्सी पर, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकारें बनती है गिरती है, ये बनती भी है उजड़ती भी है। सरकारें आती है और जाती है, उनकी बातें जो है ना वो रह जाती, उनका किया हुआ काम रह जाएगा, सब बोलेगा, इतिहास बोलेगा। तो तुम ये सोच रहे हो 2014 वाला है भारत, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें लग रहा है तुम बहुत बड़े महान हो, हर चीज में तुम अपना अपना एक मुखट्टा अलग से एक पहनते हो सरकार, कि मैं बहुत दयावान हूं। जैसे मोदी जी, अभी अभी न्यूज हमने सुना कि प्रियंका गांधी जी कह रही है, कह रहे मोदी जी प्लीज हमको बंगले में रहने दीजिए प्लीज, ऐसा न्यूज में अफवाह उड़ रही है कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी हमको बंगले में रहने दीजिए प्लीज, कृपा करिए। और मोदी जी ने कहा कि ठीक है मैं बहुत ज्यादा दयावान हूं, आप रह सकती हैं मैडम। और फिर जितनी पब्लिक थी सब वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह। तो ये गलत खबर है, ये गलत खबर है, ये जनता जो है ना जग गई है मोदी जी, ये असली खबर नहीं है। असली खबर तो ये है कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ठीक है आपने बोला ना बंगला खाली कर दो, हम खाली कर देंगे, ये असली खबर है। तो इस तरह से आपको बरगलाया जाएगा, भ्रमित किया जाएगा मीडिया के जरिए। और ये मीडिया, मीडिया वाले आजकल बहुत अच्छा मुद्दा मिल रहा है उनको, बच्चन जी का। बच्चन जी ने इतने बजे ये किया, बच्चन जी ने छींक खाई, बच्चन जी ने आंख झपझपाई, बच्चन जी थोड़े स्माइल किए, अभी वो थोड़े गंभीर थे। ये सब मुद्दे हैं क्या जी मीडिया वालों? अच्छे पत्रकारों को तो छोड़ दो, उनको तो मैं कहती नहीं हूं। ये जो बिक चुके हैं, जिनके घर में चेक पहुंचते फटाफट, ये मीडिया वाले जो है, एक आदमी सुलाया क्या बच्चन जी के पलंग के नीचे? हाँ, पल पल की अपडेट दे रहा है आपको। हाँ, और कोई आके मीडिया वाले को, कोई अच्छा भी होगा पत्रकार जिनका चलता नहीं होगा, वो आके कह रहा है कि सर ये आप बच्चन जी की खबर मत दिखाइए, वो जो कानपुर में नाबालिग लड़कियों का जो बलात्कार हुआ था, एड्स हुआ था, वो मामला कहाँ गया, क्या हुआ, उसकी जांच का क्या हुआ? तो बोले अरे चुप रे, तुम्हें क्या करना है? अरे देखिए ब्रेकिंग न्यूज, बच्चन जी ने तुरंत अभी 2:20 पर छींक खाई है। और वहां से वो जो बच्चन जी के पलंग के नीचे जो बैठा होता है, नीचे सोया होता है, अरे सुनिए, हेलो, हाँ जी, हाँ आप एंकर जी सुनिए, अरे बच्चन जी का हमको लगता है पेट खराब है। क्यों, क्या हो गया, पेट कैसे खराब है? अरे का है ना कि बहुत गुड़गुड़ आवाज आ रही है और हमको लग रहा है कि कमरा भी एकदम गमगमा गया, हम बेहोश हो जाएंगे। और वहां से आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज, बच्चन जी का पेट खराब हुआ है। हाँ हाँ, जस्ट अभी अभी देखिए, सबसे पहले हमारे न्यूज में ये खबर चली है, बच्चन जी का पेट जो है गुड़गुड़ कर रहा है, ये न्यूज है। एकदम बिक गए हो, भारत ये सुनना चाहता है? अच्छी बात है, ठीक है, बच्चन जी बीमार है आप दिखाइए, ठीक है, हम सबकी शुभकामना है उनके साथ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन बस यही एक मुद्दा है, सिर्फ बच्चन जी को ही कोरोना हुआ है और भारतवासी,
और जनता 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, कितने डॉक्टर मर रहे हैं, कितने डॉक्टरों को तुमने जेल में डाल रखा है जिनको रिहा नहीं कर रहे हो, ये सारी न्यूज ये जो जनता जानना चाहती है ये कब दिखाओगे? सिर्फ महान बनोगे झूठ बोल के, आईटी सेल लगाओगे? तो बेटा चुनाव आगे और भी आएगा, तुम भी रास्तों में उतरोगे, तुम्हारा चेहरा जनता के एकदम मगज में बैठ गया है, भूलेगा नहीं जनता। वो जो जूते चप्पल रगड़ के बिचारे गए थे वो भिगो भिगो के जूते भी रखे हैं। जाओ जाओ जाओ, कैसे स्वागत होता है, क्योंकि